ऐसी शख्सियत से आपको मिलाऊंगा, आपको रूबरू कराऊंगा, जिन्होंने अपने 22 इयर्स, 40 इयर्स उनकी एज है, और 22 साल से उन्होंने एक ब्रीड को अपना दे दिया, या इस डॉग इंडस्ट्री को जिन्होंने अपना 22 साल दे दिए, फिर भी उनको KCA के अलावा शायद कोई भी इतना प्रमोट नहीं किया। मिस्टर राजा जी। हेलो सर, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ जी सर। राजा जी, कैसे आपका शुरू हुआ, स्टार्टिंग से? सर, मेरे को बचपन में शौक था एनिमल्स का, तो वो शौक मेरा यहाँ तक पहुँच जाएगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डॉग शो में जाने लग गए और अच्छे अच्छे ब्रीडरों से मिलने लग गए, और ख़ुद को भी ऐसा लगा मतलब अच्छे ब्रीडरों से मिल के कुछ अच्छा रखें, कुछ अच्छा करें। तो फिर जर्मन शेफर्ड शो किए, डॉबरमैन शो किए, लैब्राडोर शो किए, तकरीबन ऑल ब्रीड सभी शो किए, ब्रीडिंग भी किए, तो बड़ी खुशी हुई, मतलब अच्छे ब्रीडर बन गए, इंडिया में अच्छा नाम बन गया। तो अभी मेरे पास 2 ब्रीडें हैं, विपिट और मिनिएचर पिंचर। जो मिनिएचर पिंचर है ये जर्मन की ब्रीड है, ये किंग ऑफ टॉय है, इसको डॉग शो में किंग ऑफ टॉय का नाम दिया गया। तो मेरे को अच्छा लगा, छोटा सा डॉग है, मेंटेनेंस भी अच्छी है, कोई कुछ उसका ज़्यादा खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा मेंटेन हो जाता है वो। अगर आप उसको कहीं आप लेके जाना चाहते हो तो आप गाड़ी में केज में, छोटे से केज में रख के लेके जा सकते हो, और लाइफ भी बहुत अच्छी है उसकी, तकरीबन 16-17 साल उसकी लाइफ है, बाकी दूसरे डॉग है जो उनकी 10-12 साल ही है लाइफ। अच्छी ब्रीड है, गार्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, छोटा सा है, और बहुत बहुत कुछ उसमें अच्छा है जो मैं आपको पूरी ये वीडियो में बताऊंगा। मैंने इनका कलेक्शन देखा, जो इनकी मेहनत है, एक डॉग शो में 2 मिलती हैं शायद? एक डॉग शो में 2 जज होते हैं, उनको अगर 10 डॉग हैं, उनको एक बेटर लगा डॉग, उसको BOB देते हैं, बेस्ट ऑफ ब्रीड, और जो उससे थोड़ा नीचे होता है उसको RBOB देते हैं, रिजर्व BOB। तो 2 जज देते हैं वो, जैसे मेरे को मिल गई BOB ये पहले रिंग में, दूसरे रिंग में BOB मिल गई, 2 BOB हो गई, बाद में ग्रुप होगा, ग्रुप में अगर उनको ज़्यादा बेटर लगेगा, मूवमेंट अच्छी लगेगी, डॉग अच्छा लगेगा, वो डॉग को उठाएंगे ग्रुप फर्स्ट, दूसरे को उठाएंगे ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, 3 डॉग उठाते हैं। तो एक ट्रॉफी उधर से मिल गई और ग्रुप फर्स्ट की, और दूसरे रिंग में भी ग्रुप फर्स्ट की मिल गई, आपके पास हो गई 4 ट्रॉफी। फिर बाद में होता है लाइनअप, लाइनअप में अगर उनको 10 डॉग में से अच्छा लगा डॉग, आपको बेस्ट पपी भी मिल सकता है, रिजर्व बेस्ट पपी भी मिल सकता है, फर्स्ट से लेके 8 बेस्ट इन शो भी मिल सकता है, तो उसमें भी एक ट्रॉफी मिल जाती है। जैसे मेरे पास ये बड़ी ट्रॉफी पड़ी हुई है, ये 3rd बेस्ट इन शो मिला था, उसके साथ छोटी बड़ी है वो मिला था मेरे को, बेस्ट ब्रीड इन इंडिया, रिजर्व बेस्ट ब्रीड इन इंडिया, और मेरे को ये ग्रुप फर्स्ट मिला था। तो ऐसे अगर अच्छी ब्रीड रखोगे, अच्छा शो करोगे, तो आपका नाम भी होगा, आपको नॉलेज भी आएगी, अच्छे ब्रीडरों से लेना है, बाहर से डॉग लेना नहीं है, तो उसमें आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको डॉग भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और सर, मेन तो ये होता है कि शो क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, शो क्वालिटी बनाने के लिए जी, जो हम चैम्पियन क्वालिटी कहते हैं जी, जब हम देखें ना, कुछ बेचते हैं कि चैंपियन क्वालिटी का बच्चा है जी, या शो क्वालिटी का बच्चा है जी, वो बनाने के लिए कितना पसीना, खून, सब कुछ लगा होता है। क्या इस शो में आपको कोई पैसा मिलता है? नहीं सर, पैसा हम लोग लगा के जाते हैं, अपनी जेब से खर्चा करते हैं सब, और मेरे पास कम से कम 20 साल से 22 साल से मैं लगाता ही आ रहा हूँ, और लोगों को हम लोग ये दिखाते हैं, आप मतलब जो फ्रॉड हैं उनके चक्कर में मत पड़ो, आप डॉग शो देखने जाओ, जो आपको ब्रीड पसंद है, लैब्राडोर पसंद है तो आपको लैब्राडोर के ब्रीडर मिल जाएंगे, वो शो भी करते हैं, उनसे उनके कॉन्टैक्ट नंबर लो, आप शो में से उनसे पपी लो, अच्छे ब्लड लाइन के पपी मिल जाएंगे, मदर फादर दिखाएंगे वो आपको, फिर आपको पपी देंगे, फिर आपको पूरी गाइडनेस देंगे, पपी को तैयार कैसे करना है, शो क्वालिटी कैसे तैयार करते हैं।
आप अगर पूरा एक साल लगाओगे तो आप एक एक डॉग के ऊपर एक साल लगाओगे, पपी लेके उसको पालोगे, 6 महीने का पपी होता है जब वो शो रिंग में उतर जाता है, 6 महीने का डॉग जब हम लोग पपी लेते हैं ना, 6 महीने का हो जाता है तो उसको पपी में खेलते हैं, वो पपी में खेलेगा, 12 महीने के बाद उसको सीसी मिलेगी, एक सीसी मिलेगी, फिर दूसरी मिलेगी, पपी में भी एक दो सीसियाँ लगती हैं, वो 4 सीसी इकट्ठी होके वो चैम्पियन सर्टिफिकेट हम लोग भेज देते हैं KCI को, 4 सीसी इकट्ठी करके 4 अलग अलग जजों की वो चैम्पियन चढ़ जाता है पेपर के ऊपर, जो आपको पेडिग्री मिलती है मदर फादर की और उसकी बैकग्राउंड जितनी भी लाइनें होती हैं, वो चैम्पियन हो जाता है डॉग आपका। तो आपको मतलब तसल्ली होती है, मैंने अच्छे ब्रीडर से लिया था, अच्छी पेडिग्री का डॉग लिया था तो वो चैम्पियन हो गया आज। अगर आप फ्रॉड जो बोलते हैं हम लोग, हमारे पास हम आपको हम लोग चैम्पियन ब्लड लाइन का पपी दे रहे हैं और ये आगे जाके शो खेलेगा, जिनको पता ही नहीं होता पेपर में क्या क्या लिखा हुआ, लाइनें क्या हैं, जिनके खुद के पास एक भी पेपर नहीं होता, वो हमारे को ये बोलता है KCA रजिस्टर्ड डॉग देते हैं आपको। हमने देखा कि यूट्यूबर्स, मुझे नहीं लगता कि वो आपको भी हम पता है कि हम किन यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं जी, और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने रिंग के अंदर जाके कभी देखा होगा और आपको वो कहते हैं कि हमारे पास चैंपियन क्वालिटी का बच्चा है, जबकि मुझे नहीं लगता वो कभी रिंग के अंदर भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जी, हमारे 4-5 ऐसे ब्रांड हैं जो इंडिया के अपने आप को नंबर वन समझते हैं, असली ब्रांड तो ये हैं, ये ब्रीडर हैं जो चैंपियन इंडिया में बनाते हैं, जो इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, और जो मैंने आपको एक क्लिपिंग दिखाई थी ट्रॉफी की, और आप यकीन मानिए इनके पास जगह कम है, 700 से 800 ट्रॉफी इनके पास पड़ी हुई है और जिनके ऊपर मिट्टी है, साफ करके हमने चलो 200-300 ट्रॉफी लगाने की कोशिश की, 1 घंटे से लगे हुए थे, ये मेहनत है इनकी 22 साल की, और बच्चा कौन बेचता है, एक मिडल मैन चैंपियन क्वालिटी कहकर इनका नाम यूज़ किया जाता है, चाहे आंध्रा में कोई यूज़ कर रहा है, चाहे बॉम्बे में यूज़ कर रहा है, बच्चा इनके पास होगा तो नाम कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसलिए हम स्कूबी डू की तरफ से आपको डायरेक्ट वैसे ब्रीडर्स को मिला रहे हैं कि जिनका नाम यूज़ करके वो चीज़ बेची जाती है। दोस्तों बाकी तो आप समझदार हो, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जो हमने मुहिम छेड़ी हुई है, आप प्लीज़ आगे देखिए इनकी क्वालिटी क्या है, किस ब्रीड की हम बात कर रहे हैं और कितना टाइम लगा इनको वो चैंपियन तैयार करने में, जो एक यूट्यूबर साथ में एक कमरे में 4x8 कमरे में बैठ के कह देता है कि मेरे से ये चैंपियन क्वालिटी ले लो, शो क्वालिटी ले लो, कुछ नहीं होता भैया, वो एक नॉर्मल पेट क्वालिटी का कहीं से होम ब्रीडिंग से बच्चा उठा के आपको इन जैसों का नाम लेकर बच्चा बेचा जाता है। ये है मेरा इंडिया का जो बहुत डॉग शो जीता हुआ बेस्ट डॉग चैंपियन जोकर, ये इंडिया में जितने भी शो होते हैं KCI के हर शो में जाता है, तो ये क्वालिटी है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था इसलिए मैंने इसको स्टैक किया, और ये जर्मन की ब्रीड है, ये डोबरमैन डैशन और इटालियन ग्रेहाउंड का मिक्स है, ये गिलहरी के शिकार के लिए बना था, जो गिलहरी फसल वगैरह किसानों की ख़राब करती थी उसको कोई डॉग नहीं पकड़ पाया ना मार पाया, ये डॉग इसीलिए तैयार किया था उन्होंने गिलहरी का शिकार करने के लिए, बहुत अच्छा डॉग है ये, जर्मन की ब्रीड है ये, और थोड़ा सा फूड खाता है 10-20 ग्राम सबेरे 10-20 ग्राम शाम को, मेंटेनेंस कुछ नहीं है इसकी, छोटी ब्रीड है ये, और इसकी खासियत बहुत है, ये गार्डिंग के लिए बहुत बहुत अच्छा है, गार्डिंग बहुत अच्छी करता है, और फैमिली डॉग है, फैमिली में बहुत अच्छा, ये बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहता है, ये इसको शो की ट्रेनिंग है, ये स्टैक किया हुआ है, इसको स्टैक बोलते हैं, और शो में भी ऐसे ही इसको स्टैक किया जाता है, जज पूरा इसके बाइट चेक करता है, इसकी टॉप लाइन चेक करता है, और ये इसके हाइंड विदर चेस्ट अच्छी नेक क्रॉप किया हुआ, और इसको फुल ट्रेंड है ये, आपके सामने ये खड़ा है पूरा स्टैक किया हुआ, इसको कुछ भी बाइट चेक करवा रहा है, ये चीज़ें होती हैं जो शो में देखते हैं, और वही डॉग शो होता है जो KCI रजिस्टर्ड होता है, जिसके मदर फादर चैम्पियन होते हैं या इम्पोर्ट होते हैं।
किंग ऑफ टॉय आए ये मिनिएचर पिंचर, आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे तो, गूगल में सर्च करोगे किंग ऑफ टॉय मिनिएचर पिंचर भरोगे तो ये डॉग की ऑल वर्ल्ड में जितने डॉग हैं इनकी फ़ोटो वीडियो सब उसमें आ जाएगी, आप चेक कर सकते हो उसमें। डॉग की इसकी हाइट होती है 11.5 से 12.5 इंच, फीमेल की होती है 10.5 से 11.5 इंच, और इसके पप्पी 12 महीने अवेलेबल रहते हैं मेरे पास। 16 फीमेल है और 4 मेल है स्टड, और जब भी किसी को पप्पी चाहिए हो अच्छा शो क्वालिटी वो आपको किसी भी सीज़न में मिल सकता है। ये ब्रीड अगर किसी को चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपना, आप सर्च करोगे इसमें, गूगल में सर्च करोगे या यूट्यूब में सर्च करोगे मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी को पपी चाहिए शो क्वालिटी। भगवान की कृपा से मैं मिनपिन का बेस्ट ब्रीडर हूँ इंडिया में, और सबसे बढ़िया मिनपिन मेरे पास है, अच्छे शो जीते हुए हैं, अच्छे अच्छे मैंने लोगों ने इम्पोर्ट किए हुए जो उनको भी हराया है, और बहुत अच्छा आपको मतलब अगर मिनपिन रखोगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस देगा। ये फैमिली डॉग भी है और आप इसको शो भी कर सकते हो। इसमें 3 कलर आते हैं, रेड कलर, चॉकलेट कलर और ब्लैक एंड टैन कलर। ये चॉकलेट कलर रेयर है और ये कॉमन है दोनों, ब्लैक एंड टैन और रेड। और साइज़ इसमें फीमेल, ये फीमेल है, फीमेल का साइज़ देख लो आप, मेल से छोटा है, ये भी फीमेल है, मेल से छोटी है। और कलर इसके ये रेयर है और ये कॉमन है, ये आप जब चाहो आपको चॉकलेट कलर मेरे पास ही मिलेगा इंडिया में, और किसी के पास चॉकलेट कलर नहीं है। अगर आप ये ब्रीड को ब्रीड करना चाहते हो तो ये अपने आप केयरिंग करती हैं बच्चों की, बहुत अच्छी केयर करती है, आपको पास में नहीं बैठना पड़ेगा, जैसे पग के पास बैठते हैं, पॉम के पास बैठते हैं, बीगल के पास बैठते हैं, वैसे ये खुद केयर करते हैं, बहुत अच्छे केयर टेकर होते हैं ये, और ब्रीड भी बहुत इसकी आसान है, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान इसकी ब्रीडिंग करनी है। और फीमेल 4 से 6 बच्चे देती है, अच्छे बच्चे, हेल्दी बच्चे होते हैं, खुद ही ये केयर करते हैं, कुछ मतलब इसमें टफ वाला कुछ नहीं है, बहुत अच्छी ब्रीड है। और मैं सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरी ब्रीड ये आगे लेके आ रहे हैं, और हर जगह जो घर में बैठे हुए हैं जिनको नॉलेज नहीं है वो भी देख लेंगे ये चैनल के थ्रू। स्कूबी डू चैनल, इन्होंने बहुत अच्छा ये चैनल बनाया और अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे ब्रीडरों के पास जाके मैं धन्यवाद करता हूँ भैया का। और इंडिया में सबसे रेयर ब्रीड मिनिएचर पिंचर, बहुत अच्छा डॉग है, फैमिली डॉग है, बच्चों के साथ खेल सकते हो आप, गार्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, लाइफ बहुत अच्छी है इसकी, दूसरे डॉग जितने भी है 10-12 साल एज होती है इसकी, 15-16 साल एज है, और बहुत कॉमन डॉग नहीं है ये, आप एक बार इसको घर में गार्डिंग के लिए रख के देखो और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा, डाइट भी कुछ नहीं है। हेलो दोस्तों, ये विपिट ब्रीड है, बहुत शाय ब्रीड है, और ये इंग्लैंड में ग्रे हाउंड से तैयार की गई थी। ग्रे हाउंड का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और जो वर्कर लोग हैं उन्होंने ये तैयार करवाई थी, इसका खर्चा बहुत कम है और ये छोटी ब्रीड है। इसकी फीमेल की हाइट होती है 18 इंच से लेके 20 इंच तक, और मेल की हाइट होती है 20 से लेके 22-24 इंच के बीच बीच। ये जो घोड़े रखते थे उन्होंने अपने साथ साथ चलने के लिए इसको मतलब बहुत अच्छा, ये दौड़ती बहुत अच्छी है और ये शिकार भी बहुत अच्छा करती है, और इसकी मेंटेनेंस कुछ नहीं है, डाइट बहुत कम है, इसीलिए ये ग्रे हाउंड को छोटा किया गया था, और बहुत सुंदर ब्रीड है, आप शो भी कर सकते हो इसको। इसके मदर फादर चैम्पियन है और ये भी 6 मंथ की हो गई है, ये भी अभी शो सीज़न आने वाला है, इसको शो करेंगे, इसको चैम्पियन बनाएंगे। हेलो दोस्तों, ये मिनिएचर पिंचर पप्पीज़ हैं, ये अभी 28 दिन के हैं। मेरे किसी भी दोस्त को अगर मिनिएचर पिंचर पप्पी लेना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा मेरा, और आप, मैं लुधियाना का, पंजाब का रहने वाला हूँ, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।